फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरकान। आज मैं लाया हूं आपके लिए मल्टीप्लिकेशन की एक और ऐसी ट्रिक जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ आप यहां मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। और आइए देखिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि 3 डिजिट तक मल्टीप्लिकेशन सिखाया, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। और आइए देखिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और आप यहाँ पर फोकस कीजिए और देखते रहिए कैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। बस इसी टाइप, इसी वे में आपको भी चलना है और आप मल्टीप्लिकेशन विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं। आइए देखिए किस तरह से। ये है आपके पास फर्स्ट 3 टाइप्स हैं, मैंने 3 टाइप्स बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप 4 डिजिट टू 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 4 डिजिट से 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन और 4 डिजिट से 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। आइए देखते हैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या होगा, ऑर्डर। वो ऑर्डर आपको किस, ये ध्यान रखना होगा कि किस ऑर्डर में किस डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। तो आइए फर्स्ट टाइप में हम देखते हैं कि किस ऑर्डर का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, ये आपके पास 4 डिजिट से 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन है, तो आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे, फर्स्ट इससे स्टार्ट करते हैं हम, तो दिस इज 1। या आप ऑर्डर ध्यान रखेंगे, इस ऑर्डर को मैं लिख देता हूं, फर्स्ट 1, फिर सेकेंड 2, देन फिर ये वाले 2, देन लास्ट ये 2 और फिर लास्ट 1। तो आपका ऑर्डर क्या बन गया, 1 2 2 2 और 1, दैट मींस 1 ट्रिपल 2 1। इस ऑर्डर में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए ये आ गया आपका 4 3 12, 3 3 9 और 4 2 8 17, फिर देन फिर से अगेन 2, तो ये वाला 2। अब इस बार क्या करेंगे, आपने फर्स्ट 2 ये लिए, फिर आपने क्या करना है, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ये 2 डिजिट लेनी है। फिर इसके बाद ये आ गया आपका 3 3 9, 4 2 8, 8 प्लस 9 आ गया 17। अब आप इसे क्या करें, रद्द करें और इसे आप छुपा लें। इस बार फिर से 2 ऑर्डर है, दैट मीन्स ये वाले 2 लेने हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया आपका 2 3 6 और 2 3 6 6 12, ये आ गया। अब नेक्स्ट, फिर इसे आपको इरेज करना है, फिर से 2, दैट मीन्स ये वाले 2, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, तो ये 1 3 3 और 2 2 4, 3 और 4 7 और लास्ट 1 by 1, ये आपका इरेज कीजिए और 1, दैट मीन्स 1 2 2, ये आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन। तो आपको क्या लेना है, टेक 1 डिजिट ओनली, सिर्फ इस स्लैश के बिटवीन जितने हैं सिर्फ 1 डिजिट आपको लेना। तो ये आ गया 2 1, यहाँ ऐड कर दीजिए 17, 1 18 का 8, 1 बचा 1 यहाँ ऐड कर दिए 13 का 3, 1 ऐड कर दीजिए 8 और ये आ गया आपका 2। दिस इज योर आंसर। सिर्फ आपको इस ऑर्डर का ध्यान रखना है और मल्टीप्लाई आपको करना है, बिल्कुल इजी है और आप विद इन सेकेंड्स 5 सेकेंड्स, मैक्सिमम 5 सेकेंड्स आपको लगेंगे इस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। आइए देखते हैं सेकेंड, इसमें किस ऑर्डर का ध्यान रखना होगा आपको। सेम ऐसे ही जैसे आप, हमने क्या किया, आप इस ऑर्डर को खुद याद रख सकते हैं। कैसे, फर्स्ट यहां से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं 1, फिर ये 2 डिजिट है, तो पहले आपको इन 2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर आप इसे इरेज करें, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर इसे भी इरेज करें, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई करना है और फिर ये भी इरेज करें और लास्ट 1 का इन मल्टीप्लाई करते हैं, देन फिनिश। सेम ऐसे ही हम यहां पर भी अपना ऑर्डर बनाते हैं। क्या ऑर्डर आपका बनेगा, ये देखिए 3 डिजिट है पर 4 डिजिट, 4 से 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो किस टाइप से ऑर्डर आपका तैयार होगा। देखिए पहले 1 हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2, देन ये 3, देन ये 3, देन 2 और लास्ट 1 पर आकर स्टॉप कर देंगे। तो आपका ऑर्डर क्या बन गया, 1 2 3 3 2 1, इस ऑर्डर में आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, ये आपका हो गया ऑर्डर, किस ऑर्डर में आपको मल्टीप्लाई करना है तो देखते हैं। 4 4 16, ये आ गया 4 3 12, 12 12 24, देन फिर 3 3 में आपके पास ये डिजिट आ जाएंगे। तो देखिए हमने किया 1 इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड लिया हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 डिजिट में, थर्ड में हमारे पास स्टेप क्या होता, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में जैसे हमने किया था वैसे यहाँ पर भी इसका इस लास्ट से, इसका इस लास्ट से और इसका मिडल से मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे इनको। तो यह 2 4 8 प्लस 2 4 8 8, 16 16, 3 3 9, 16 और 9 25, ये आ गया आपका 25, देन स्लैश
फिर से अगेन 3 डिजिट आपको अगेन लेना है। इस बार फर्स्ट आपने 1 डिजिट ये ले लिया, फिर ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, अब आप इसे इरेज करेंगे 1 2 3, ये 3 डिजिट और ये 3 डिजिट आपको लेके चलने हैं। तो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट का इस लास्ट से, इसका इससे और इसका मिडिल वाले से। तो ये देखिए 1 4 4 और 3 2 6, 4 10 और 2 3 6 अगेन 16। देन ऑर्डर अब आपका क्या फॉलो होगा, 2, तो ये लास्ट 2, 1 3 3 और 2 2 4, 3 4 7, फिर लास्ट 1, या गया लास्ट 1 1 2 2। अब आपको एक 1 डिजिट लेना है, या गया 6, 25 का 5, 227 का 7, 218, 18 1 7 1 8, दिस इज 2, आपका हो गया आंसर 2 8 8 7 5 6। लास्ट ये देखते हैं 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 4 डिजिट से 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। ये देखिए इसका ऑर्डर हम बनाते हैं, वो क्या ऑर्डर आपका बनेगा वो देखिए। इसमें आपका ऑर्डर बनेगा 1, फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई 1, फिर ये 2, 2, 10, ये 2 हो गया आपके पास। अब आपके पास आएगा 3 डिजिट, तो फिर इस 3 का इससे से, तो ये 3, 3 के बाद अब ये 4 और ये 4, ये आ गया आपके पास 3, 3 के बाद आ गया आपके पास 4, फोर आ गया, 4 डिजिट के बाद फिर बैक चलेंगे, फिर ये इसे इरेज करेंगे, अब ये 3, 3 लेके चलेंगे, देन 4 के बाद 3 और फिर 2 और लास्ट 1। इस ऑर्डर में हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आइए देखते हैं कैसे। 4 5 20, ये 1 हो गया, आपने इससे मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट 1, ये आ गया 1, फिर आपके पास क्या लेना है 2 डिजिट, यानी ये 2 लास्ट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आपके पास आ गया 3 5 15 और 4 4 16, ये आ गया 31। फिर आपको लेना 3 3 डिजिट, वही सेम इसका इस लास्ट से और मिडिल वाले, तो ये आ गया आपके पास 2 5 10, 4 3 12, 22 और 4 3 12, 22 और 12 34, ये आ गया आपके पास। अब अगेन अब लेना आपको 4, अब देखिए ये 4 वाले में आपको क्या ध्यान रखना होगा, सिंपल है बिल्कुल, यहां देखते हैं 4, इस फर्स्ट का लास्ट से, इस फर्स्ट का इस लास्ट से, फेयर। देन अब आपके पास ये मिडिल में 2 बचे, इसमें भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे, सबका मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कर देना, आपके पास आ जाएगा देखिए कैसे, 5 1 5 5, 4 2 8, 8 5 कितना आ गया आपका, 8 5 आ गया 13, फिर देन 2 4 8 और 3 3 9, 2 4 8 and 9, ये आ गया आपके पास, ऐड करके आ गया ये आपके 30। अब ये आपके पास 4 ऑर्डर का हो गया, 4 ऑर्डर में ध्यान रखना है, 4 वाले का मिडिल में, इसका लास्ट से, इसका इस लास्ट से, अब मिडिल में जो बचे इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे, ये आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, आपके पास आ गया 30। ये हो गया आपका 4 डिजिट। अब आइए इसके बाद आपने क्या देखना ऑर्डर में, अब हमारे पास 3, अब 3 आपके पास ये मिस हो गया, अब लास्ट ये आपको इरेज कर देने हैं, अब ये 3 और डिजिट बच गए, इस 3 में हम काम करेंगे, इस 3 में बस 3 वाला, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे और इस मिडल का इंटू मिडल से, देखिए ये हो गया आपका 1 4 4 और 3 2 6, 4 6 10 और 2 3 6, ये हो गया आपका 16, ये आ गया 16। देन 3 का भी फिनिश हो गया, अब आपके पास आना 2, 2 डिजिट में आपके पास आएगा 1 3 3 और 2 2 4, ये आ गया 7 और लास्ट 1 1 ये 1, तो 1 2 2, ये आ गया 2, ये लेना आपको 1 डिजिट, 2 2 यहाँ आएगा 33, 3 आएगा 7, 7 3 आएगा 33, 3 आएगा 9, 1 बच गया, ये आ गया 8 और दिस इज 2, दिस इज योर आंसर 2 8 9 3 7 3 0, ये आपका मल्टीप्लिकेशन। 4 डिजिट से भी आप मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आपको 8 to 10 seconds ही लगेंगे, जब आप से प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको 10 seconds से ज्यादा तो लग ही नहीं सकते, ये मेरा प्रॉमिस है। आप इसे ध्यान से देखें, स्टार्ट में इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें,
उसके बाद आप इसे अपने प्रैक्टिस में लाएं और देखिए आपका कितना टाइम सेव होगा इसमें।